नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, हरियाणा 1008 पर समय समय पर सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई जो खबरें आप देखते रहते हैं। फिलहाल जो है मैं मौजूद हूँ रोहतक में, और ये जो भाई जो मेरे साथ जो बैठा है हरियाणा 1008 पर जुड़े हैं, ये हैं शाहपुर गाँव से। और मामला वही है जो एक लड़की ने जो अपना दर्द जो बयां किया था, अपने पति के ऊपर जो आरोप जिन्होंने लगाए थे कि उसका पति किसी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है जो 3 बच्चों की माँ है। हमारे साथ उसी मामले को लेकर जो वो महिला है जो 3 बच्चों की, 3 लड़कियों की, 3 लड़कियां हैं ना आपकी, 3 दो लड़ एक लड़का दो लड़की, 2 लड़की हैं और एक लड़का, जो 3 बच्चों की जो माँ जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है अपने परिवार को छोड़ के श्रीओम के साथ रहती है, और बहादुरगढ़ में वो रहती है, बहादुरगढ़ में वो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। तो फिलहाल जो है हमारे साथ जो भाई हैं वो उस महिला के पति हैं, पूनम उस महिला का नाम है। ये हमारे साथ जुड़े हैं, जुड़ने का क्या कारण है वो तो आप सब समझ गए होंगे, लेकिन एक और भी कारण मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। कल ही जो है इस भाई को चोट लगी है, कैसे लगी है, एक्सीडेंट है या किसी के द्वारा मारी गई है, वो हम एक बार इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और इनका जो कहना है वो तो यही है कि मेरे को जो है किसी ने चोटें मारी हैं, किसने मारी है वो एक बार हम इनके मुंह से जानेंगे। बाकी एक बार मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, काफ़ी चोटें जो है इनको मारी गई हैं, और अभी थोड़ी देर पहले ही जो है इनको PGI रोहतक से यहाँ पे घर में जो इनको लेके आया गया है। फिलहाल हम इसकी बहन के घर पे बैठे हुए हैं। भाई साहब, राम राम। राम, थोड़ा ऊंचा बोलना। राम राम। दीपक नाम आपका? हाँ, दीपक नाम। आपकी घराली का? पूनम नाम। पहले तो एक बार यही बता दो, जो चोट जो आपको लगी है कैसे लगी है? ये जी, मैं अपना काम कूम करके घर पे आ रहा था। क्या काम करते हो आप? मैं ऑटो चलाता हूँ जी। हाँ, 16-17 के चक्कर मार के मैं लेके आ रहा था जी। तो जो हमारा नूना माजरा है वहां पर एक बाइक वाला खड़ा था आगे, उसने सिग्नल दिया कुछ दिया तो साइड से आई है, इको ने मेरी ऑटो रुकवाई है, और उसमें तो 6-7 बालक निकल के और मेरे को मारने लगे। जो बाइक वाला था वो कैप पे रहा था, रुमाल बांध रहा था मुंह पे, वो बोले इसको जीत मार दो, छोड़ना नहीं हो, ऐसे ही कह के वो निकल गया और मेरे को वहीं घेर के मार पीट के। ठीक है, जब मेरे को मड़ी बहुत सोदी आई, तत्ता खून था, मैं अपने ना स्टार्ट करके मैं कितना फिर आ जा, मैं अपने को फिर लेके चल पड़ा। मैं खूनम खून, मेरा ऑटो भी सारा खूनम खून हो गया था। किसी को पहचान पाए उस मौके पर? जी, जिसने मारे हैं उसको मैं पहचान नहीं रहा, लेकिन जिसने वो नुका था मार दे इसको मारना है, जो कैब पे रहा था उसकी मैंने आवाज पहचान ली थी, वही है सरियोम नाम है उसका, उसको मैंने आवाज पहचान के, इसलिए उसको शक है उस पर पूरा। शक के आधार पे कह रहे हो? शक के आधार पे नहीं है, उसी ने चोट मरवाई है। बिल्कुल, मतलब दावे के साथ कह रहे हो। देखो, कई बार ऐसा हो जाता है किसी के साथ जब हमारा किसी बात को लेके झगड़ा होता है तो हमें कुछ भी हो जाए तो हमारा जो है अंदर से यही आता है कि कहीं ये उसने ना करवाया हो। तो इसीलिए जो मैं पूछ रहा हूँ, क्या मतलब मतलब किस तरह से आप ये कह सकते हैं कि भाई उसने जो है आपको चोट मरवाई है, मारी है? उसने जी, जैसे उसकी ब्लैक बाइक थी, स्प्लेंडर में नंबर देख नहीं पा, चोट चाट अच्छी लग रही थी, ठीक है, गंगेड़ा चढ़ रहा था, और वो ऐसे कह गया ना, छोड़ना नहीं इसको, मारना है। मैंने उसकी आवाज कई बार सुन रखी है, ठीक है, आवाज भी पहचानी है मैंने, और वो कैब पैरता कैब भी, लेकिन मुंह ने ढक रहा था वो। उसके साथ झगड़ा क्या है आपका? झगड़ा जी कुछ नहीं है, यो ही झगड़ा है, यो बस इसका जो मेरी लुगाई को वो अपने भकाए भुकू के ले जा रहा है, कुछ भी है। मैंने उस तक कोई मतलब नहीं, भाई तू कहीं भी रख कम भी कर, मन इस तक कोई मतलब नहीं है ना, मैंने यार राखड़ी फिर भी मेरे को छेद रहे हैं, मेरे को मेरे बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे। अच्छा, एक बार शुरू से मैं जानना चाहूँगा कि जो आपकी जो बीवी है पूनम, क्या अभी तक तलाक वगैरह का कुछ ऐसा कुछ हुआ है, केस वगैरह कोई? कुछ नहीं किया मैंने, करी थी बात उससे, मैं तू आके कोर्ट में आके तू साइन कर ले, तलाक दे दे, वहाँ मेरे को साफ बना कर गई, वहाँ बोली मैं तलाक नहीं दूंगी। हाँ, कब से चल रहा है ये, मतलब आपस में जो उनका ये जो मैटर चल रहा है कब से है, एक बार शुरू से बताएं। ये जी मान ले 1.5 साल हो गया इन बातों को। 1.5 साल? हाँ।
क्या मेरे को पता चला कैसे क्या कुछ हुआ उनका, मतलब मिलना जुलना कैसे हुआ स्टार्टिंग से? ये जी कंपनी में जाया करती और वो इनको बैठा के ले जाया करता, उसने लंबर लंबर उसका ले लिया, वैसे ही इनकी आना जाना हो गया इनका। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास 3 बच्चे हैं। लड़के लड़की कितने? 2 लड़की है, एक लड़का। एज कितनी है बच्चों की? 17 साल की लड़की है और 15 साल का ना 16 साल का बोलिया ना शुभम, 16 साल का शुभम है और छोटी लड़की है 12-13 साल की। 12-13 साल। और परिवार में सदस्य आपके में? जी मेरी मम्मी है, मेरा पिताजी है, एक मेरा भाई है। जो वो उसके संपर्क में जो आई है पूनम, क्या आपसे किसी बात को लेके मनमुटाव था घर में उससे पहले का? किस तरह का व्यवहार था परिवार में? वह पहले ठीक रहा करती, सारी बात मान्या करती। मैं उससे नु कहा करता तू कंपनी में मत जावा, ये कंपनी कुछ नहीं है, कदर ऐसा काम हो जाएगा, और वो ही काम यह करके मानी। वह मेरे को बोलती थी मैं इस जो मेरे कहना नजर भी डाल लगा मैं उसको थप्पड़ मार दूंगी, मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, ठीक है, तो तू मेरे को जाने दिया, अगर कंपनी में दुनिया जागे तू मेरे को घर पर बैठा देगा, तो ये जो और कंपनियां मजा लो भाई ये मेरे को न कहेंगे तू किस बात पर बैठी है घर पे, काम क्यों नहीं कर रही। मैं उसकी ये बात मान के मैं उसको जाने दिया करता, लेकिन जब मेरे को ये पता लगा, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी उनकी आपस की फोन में, मैंने ये पता लगा ये ऐसे ऐसे चल रही है, गलत चल रही है, तो मैंने उसको मार मूर दिए थे। जो उसके मामा है उसने फोन मिलाया है उसके पास, तो वो बोले तू इसको नुकर यहाँ से बाजा, वहाँ से निकला तू, वो उसका मामा यहाँ बुला लिया उसने, वो यहाँ रही है अपने मामा के पास रोहतक में। हाँ तो फिर जोगर मेरा जीजा था कोई, हम पूजा पाठ कर रहे थे वहाँ पर गांव में, तो यो जो मैंने रिश्तेदार से कह दी थी, यो मेरा जो जीजा है यो उसको ले आया था वापिस, मेरी जो बहन है वे इसको समझा समझू कर ले आए थे, आगे तो ये गलती मना करिए, ठीक है, तेरा घर ऐसे ही बस जाएगा। मैंने फिर भी इनकी बात मान के मैंने वहाँ रख ली थी, मान मिला तू ये भी समझ जा ये भी मान जा, लेकिन वह मानी नहीं, उसके दिमाग में बस वही था, ठीक है, उसने घर बस आने की ना उसने बड़का की सोची ना हमारी सोची, किसी की भी इज्जत नहीं सोची उसने, उसने वो काम करना ही था। फिर वह बोली मेरे से मैं ठीक हूँ, मैं अब ऐसी वैसी बात नहीं करूँगी। मैं जब नीचे था, मैं छुट्टी था उस दिन, ट्रैक्टर में नहीं टोगा भरा नहीं था, तो मैं नीचे लौट रहा था, जब वह ऊपर चढ़ी दोपहर में मैं गेला गेल उसके पीछे चढ़ गया, वह फोन पर बात करने लग रही, मन देख लिया मैं किससे बात कर रही है, वह बोली मैं अपनी नानी से बात कर रही हूँ और अपने मामा से बात करी है मैंने। मामला फोन में तो पैसे नहीं है तो बात किससे कर रही है, ना बोली उन्हीं का फोन आया है। मैंने नंबर देखा, मेरे भाई का नंबर था अली ना, जो मेरी मौसी का लड़का, उसका नंबर था उसके ऊपरी जो कॉलिंग में था वो था, मैंने वो मिला के देखा उसमें पीछे नहीं, ठीक है, मन देखा तो वो फोन जो था संदूक के साथ घेर दिया उसने, दूसरा फोन था जिसमें पैसे थे, मैंने उठाया उस लड़के सरियोम का नंबर पाया, 93 तो शुरू था, 93-55 तो शुरू था वो नंबर पाया मैंने, फिर उसको अच्छे मारे मुरे पीटी हवा। उसने फिर अपनी मौसी बुलाई है, उसकी मौसी आई है, मैं बोला उसकी मौसी को तू नू करे इन्हें ले कर मरना चाहिए, मैं इसने आप सुधार लूंगा, ना सुधरेगी मैं के गोडे गाडे तोड़ के इन्हें कुकरे भी कर लूंगा इसने काबू। उसकी मौसी बोली नहीं के का अगर तू इसने मार देगा नू करवा देगा मैं फिर थारी सजा करवा दूंगी, मैं इसको लेके जाऊँ, मैं 10 दिन में इसको वापिस छोड़ जाऊंगी, समझा समझू के। जब ये उसको ले गए हैं मन ने 10-15 दिन बाद फोन किया है, मामला मौसी उसको छोड़ जाओ उसके मामा आता है, मामला एक बुश तो बात करवा दे, बालक बात करना चाह रहे हैं इस टेमा, उसके मामा और बोले यहाँ तो सही नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ गई। हाँ जो उनके मामा ने है सारा उनकी साजिद है, उनने मिलकर और उसकी बात सुनकर उनने यो काम यो कर्म कराया है। क्या अब आपको पता है कि वो उसके साथ कहाँ पे रह रही है? यो मेरे को नहीं पता। अच्छा ये पता है कि वो लिव इन रिलेशनशिप के उन्होंने कागज वगैरह बनवा रखे हैं या नहीं बनवा रखे, ये पता नहीं पता मेरे को, ये भी नहीं पता। भाई पहली जो वीडियो जो देखी थी जिसमें जो श्रीओम की जो पत्नी है उन्होंने जो है सर्टिफिकेट वगैरह दिखाए थे कि उन्होंने जो है लिव इन रिलेशनशिप के जो है कागज वगैरह दोनों ने बनवा रखे हैं। अच्छा आपकी जो बेटी हैं
देखो बड़ी हो रखी है, 17-18 साल की लड़की जब हो जाती है सब कुछ समझने लग जाती है। क्या बेटी की और माँ की कभी बात हुई इस बारे में समझाने की? माँ बेटी ने कभी उसको मतलब ये कहा कि आप इस तरह से ना करो? तो उस मामले में अगर मैं एक बार जानना चाहूँगा क्या कुछ हुआ वहाँ पे? उसने कभी बात ही नहीं करी बच्चा तो वो बात एक बार फोन आया था, वो बोले छोटी लड़की से बात करवा दो, वह उस टाइम बीमार हो रही थी, मैं वहाँ घर पे नहीं था, मेरी माँ ने उन्होंने सोचे चल भी करवा दे, इसने उससे बात करवाई थी। अब उसको घर से गए हुए कितने दिन हो गए, मतलब लास्ट टाइम कब आई थी आपके पास घर पे? ये भी उसने हो गए 4 महीने हो गए जाए। 4 महीने पहले वो घर पे आई थी? हाँ 4 महीने पहले घर पे थी। उससे पहले रोजाना आती थी? नहीं नहीं घर पे ही रख दी थी, वाकई कागज कहीं भी नहीं जाना था, ना कंपनी जाना ना और कुछ जाना। अच्छा 1.5 साल से तो उसके संपर्क में है? हाँ, संपर्क और 4 महीने से बिल्कुल घर से फरार है आपके घर से? मेरे घर से उसकी मौसी ले गई थी, वह फरार अपने मामा के घर से जो यही रोहतक में रहते हैं इसमें तेज कॉलोनी में, उनके घर से फरार है, वह उनने फरार करी है उसके साथ, उसकी मौसी ले गई थी हमारे घर से, वह अनुवली में 10-15 दिन में इसने समझा समझूगा मैं छोड़ जाएंगी। तो जब हमने 10-15 दिन के बाद फोन किया है भाई उससे बात करवा दे, बालक बात करना चाह रहे हैं, तो उसकी जो नानी है वह बोली वहां तो सही नहीं हमारे पास, उसका तो पता नहीं कहाँ गई। हाँ बिल्कुल। अच्छा जो आप जो जैसे कह रहे हैं कि जो उसके जो मामा है जो रिश्तेदारों ने जो उसको मतलब इस तरह से भगाया है, इस तरह से एक गलत जो है नेगेटिव जो है वो कीटाणु जो उसके दिमाग में जो डाले गए हैं, कारण क्या रहा उनके साथ? क्या कोई दुश्मनी थी आपकी? कोई दुश्मनी नहीं। तो क्यों किया उन्होंने ऐसा, क्या लग रहा है आपको? क्या बताएं जी कैसे क्यों किया उनने, मैं तो उन्हें बड़ी आदमी मान रहा था लेकिन उनने ये ऐसे गलत काम करे। नाम क्या है उनका? मैं जैसे मेरा साला था प्रदीप, उसने मैं बुलाया, मैं बुकिंग लेके जा रहा था घुमाने, उसने बुलाया मेरे को, वो बोला भाई तू रिश्तेदार तू आ जा, तू इसने ले जा ठीक है, इसको समझा समझा देंगे हम भी चलना तेरे गिल्ला, तू इसने ले चल। मैं उसको लेने आया था, मैं बोला इसको तुम भेज दो, वे बोले हम नहीं भेजते ठीक है, और चल भेज देंगे तू कल आ जाइए। जैसे मैंने उसको कल फोन किया मैं आ रहा हूँ, तो मैंने बोले वाह है ही नहीं यहाँ पर। फिर मेरे साले ने मेरे को फोन करके संपर्क कराया, मैं रात को आ रहा था, 9 बजे का टाइम था, जब मेरे साले का फोन आया उसने नु कही है वह कोर्ट मैरिज कर रही है उसके साथ, तो उसके चक्कराना छोड़ दे वे ठीक है, उस उन अपनी जिंदगी खराब कर ली। मेरे साले ने ऐसे बोला था हमने वह बेदखल कर दी है ठीक है, और तू भी इससे तलाक तुलुक ले ले। मैंने फोन करके उससे ये भी किया था, कहा था मैं तू नु करे तलाक ले ले, तू मेरा पांडा छोड़ दे, तूने जित रहना वहां रह ले। तो वह तलाक के बारे में क्या कहा उन्होंने? वह बोली मैं तलाक नहीं लूंगी, नोली मैं तलाक नहीं लूंगी। अच्छा जो उसके बाद जो है अपने जो मायके में उसका आना जाना है या नहीं है? मायके में यहाँ पर वहां तो नहीं जाना आना रहे उसका, वे बढ़ने नहीं देंगे उसको। अच्छा अब जैसे देखो एक बार मैं आपसे मतलब पर्सनली मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर किसी भी कारण से पूनम अगर वापस आना चाहे तो क्या आप रखोगे? नहीं जी नहीं रखूँगा जी, इतनी जो बेइज्जती करके जब मैंने रखने की उसमें जब मैंने कह दी थी सब क्या इन्हें छोड़ दे, मैं तेरे ये भी बढ़िया त्रिया सही त्रिया वो कर दूंगा, तेरी कितनी इज्जत बेइज्जती कितनी खंडेगी, तू ये भी मान जा, वो मानी ही नहीं तो ये फायदा ही क्या रखने का? अगर वो अपनी गलतियां माने तो? नहीं जी उसने 3 बार मेरी इतना गलती मानी है, मैं आगे से ये काम नहीं करूंगी ये काम नहीं करूंगी, उसने 3 बार ये काम करे। अगर मीडिया के सामने आपसे माफी मांगे तो? जी वो एक बार अपने परिवार से पूछ के या जो भी है मेरे परिवार वाले उनसे सभी से पूछ के, जो मेरे रिश्तेदार हैं जो मेरे मामा मुम्मा हैं उनसे सभी से पूछ के फिर ये बात जो है वो जब देखेंगे उसने उसके मन में क्या है क्या नहीं। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है इस तरह से जब मामला मीडिया में जो आया है, क्योंकि आपका तो हमें पता ही नहीं था, हमें जो है मीडिया को बुलाया था जो वो लड़की है जो श्रीओम की जो पत्नी है जो सुमन, उसके परिवार वालों ने जो है हमें बुलाया था
कि ऐसे ऐसे हमारी लड़की के साथ जो है उनका दामाद है ऐसे ऐसे कर रहा है, वो किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, तो वहाँ से जो है आप वाला मामला जो है इस मामले में जुड़ा है। ठीक है, अब मामले दो हो गए, एक वो था एक आपकी तरफ से हो गया। अब तो वो तो उस परिवार वाले जो कह रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि अगर उनका दामाद है जो उस लेडीज को छोड़ के आपकी मिसेज को छोड़ के अगर वो अपने घर पे सही से रहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी मिसेज भी आपकी पत्नी भी उनको छोड़ के आपके पास अगर आना चाहे तो आपकी क्या राय रहेगी? जी मैंने आपसे बताया था, मैं अपने परिवार से पूछ के उनसे पूछ के सलाह लेके वे के चाह रहे हैं भाई के नहीं, जो मेरे रिश्तेदारी हैं मेरे फूफा फाफा वे सब इतराज इस बात पर, वे तो वे नु कह रहे इतने मारनी थी वाह मन्ने जिगल अपने बालक देख के मैं अपने बालका ने पाल दूँ कितने भी आंडो कितने भी गू खाओ मन उससे कोई मतलब नहीं है। चलो ठीक है, जो असरानिया थे उनका फोन आया था मेरे पास, जो जो लड़की जो उसकी पत्नी है सुमन श्रीओम की पत्नी है वह के कहकर थाने में हम बुलाए थे उनने इसमें महिला मंडल में भादरगढ़ वह वहीं थी। तो मैंने उससे वह बोली जो उसकी सासू थी श्रीओम की वह बोली भाई दीपक देख लो कर लो तुम्हें तू इसने ले जा तुम इसने कम करियो और हम ना हम अपने ने ले जा हम कम करांगे मैं ठीक है। मैं जब भी उससे मैंने नू कह दी थी तू चल अपने बड़ काम आ जा ये भी कुछ नहीं बिगड़ा है जो है अगर हो जा रहा सब करते हैं ये काम जैसे भाई सभी की इज्जत उड़ती है ठीक है हो जा रहा गलती होगी तेरे तय ये वाक्य तो मत करिए तू गलती ठीक है। फिर भी वह नहीं मानी ना वो लड़का माना ठीक है। मेरे मन ने उसके थप्पड़ मार दिया जो मेरी घरवाली थी मैंने पूनम के थप्पड़ मार दिया तो वो लड़का बोला मेरे को मैं तेरे को शाम तक मरवा दूंगा तने इसका हाथ ही क्यों लगाया तेरे को मैं शाम तक मरवा दूंगा ऐसे जी। अच्छा एक बात और मैं लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, अगर मान लो किसी भी कारणवश मीडिया के प्रेशर से लगा लो या समाज में देखो अब इस तरह से जो है आप भी मीडिया पे आ गए हो उससे श्रीओम की पत्नी भी आई है उसकी सास ने भी उसके ऊपर बहुत गंभीर जो है आरोप जो लगाए हैं, अगर शर्म के मारे अगर इंसान शर्म के मारे पे समाज में जो है इस तरह से बदनामी होगी अब लोग क्या कहेंगे, तो इन सब बातों को लेकर श्रीओम जो है आपकी पत्नी को छोड़ दे तो क्या उसके बाद भी जो है वो खुद छोड़ दे उसको तो उस क्या उसके बाद भी आप पूनम को नहीं अपनाओगे? नहीं अपनाएंगे जी। मैंने बता दिया आपसे मैं पहले अपने परिवार से पूछूंगा जो मेरी रिश्तेदारी उनसे पूछूंगा ठीक है भाई। देखिए हमारे जो है मैंने कई तरीके से जो है इनको सवाल अपने करके देख लिए हैं, जवाब एक ही आ रहा है बार बार निकल के कि मैं अपने परिवार से बात करूंगा। बाकी ठीक है कोई बात नहीं, आप अपने परिवार से बात कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है और परिवार की जो है राय लेना भी हम इसमें गलत नहीं कहेंगे, अच्छी बात है। अब ये कोई फैसला अकेले कर लें कल ना कोई और दिक्कत हो जाए तो वो भी ठीक नहीं है, एक बार पूरा परिवार जो है इस मामले में बैठ कर बात कर लेगा उसके बाद जो है क्या कुछ निकल के आता है वो भी जो है हम आपके सामने ज़रूर लेकर आवाएंगे। इस आप देखते रहिए हरियाणा के जरा, तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त है कैमरामैन अनिल कुमार के साथ में दिनेश कुमार, जय हिंद जय हरियाणा।